हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बिल्कुल ही न्यू पैटर्न लेकर आई हूँ। आप इसे बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, स्वेटर में भी बना सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आइए देखते हैं इस पैटर्न को कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 8 की मल्टीपल में फंदा लेना है। ये देखिए, मैंने 8-8 फंदा लिया है। 8, 16, 24, ये हुआ 32। फिर दोनों तरफ से मैंने 2 फंदा एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए, ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 18 फंदे लिए हैं। पैटर्न के लिए 8-8, 16 फंदा मैंने लिया है और दोनों तरफ 1-1 फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बनाने में ये इजी है कि पहला ये फर्स्ट लाइन है, हमें पहले सीधा बनाना है। पहली लाइन हमें बिल्कुल सीधा बनाना है। ये देखिए, पहली सिलाई मैंने सीधा बना लिया। अब हमें दूसरी तरफ भी सीधा बनाना है। पूरी सिलाई यहाँ पर भी हमें सीधा बनाना है। फिर हमें तीसरी सिलाई पर हमें डिजाइन डालना है। ये सिलाई भी पूरा सीधा बनाएंगे। देखिए, ये डिजाइन यहाँ पर बनेगा। ये जो लाइन है, अब हमें ये लाइन बनाना है। दूसरी लाइन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमें तीसरी सिलाई पर डिजाइन डालना है। पहला फंदा बिना बुने हमें उतार लेना है। फिर हमें दूसरा फंदा से ऐसे हमें 2 बार धागा को घुमाना है। पूरी सिलाई ऐसे ही बनाना है। दो बार इसे हमें घुमाना है। 1, 2 ऐसे हमें पूरे सारे फंदों को ऐसे ही बनाना है। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी हमें उल्टी तरफ से डिजाइन डालना है। पहला फंदा हमें बिना बुने उतार लेना है। फिर 8 फंदों को हमें खोल देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 फंदों को हमें खोल देना है। फिर हमें इन्हीं 8 फंदों को एक साथ उल्टा बनाना है। देखिए, ऐसे ही हमें 8 फंदों को एक साथ एक उल्टा बनाना है। देखिए, फिर हमें यहाँ 1 फंदा बन गया। फिर हमें 7 फंदा ऐसे यहाँ पर बना लेना है। देखिए, 1 सिलाई पर 7 फंदा हमें फिर बना लेना है। 3, 4, 5, 6 ऐसे 7 फंदा हमें ऐसे बना लेना है। देखिए, बन गया 8 फंदा, ये बन गया।
फिर हमें आठ फंदों को खोल देना है। इन आठ फंदों का फिर एक फंदा बनाना है। देखिए आठ फंदा धागा सामने लाएंगे और इन आठ फंदों का एक उल्टा बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमें सात फंदा ऐसे ही फिर बनाना है। ऐसे ही हमें पूरी सिलाई बनाना है। फिर एक फंदा यहाँ पर हमें उल्टा बनाना है। देखिए फिर अगली सिलाई हमें सारे फंदे सीधा बनाना है। सारे फंदों को हमें सीधा बनाएंगे। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न है। लेडीज स्वेटर बेबी स्वेटर में आप इसे बॉर्डर के लिए भी बना सकते हैं। बॉर्डर के बाद आप ऊपर डिजाइन दे सकते हैं। फिर उल्टी तरफ से भी हमें ये सिलाई हमें सीधा बनाना है। उल्टी तरफ भी हमें एक सिलाई सीधा बनाएंगे। फिर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। बनाने में भी बहुत ही इजी है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं।